बेटा जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहेगा, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हम NaCl से बनाते हैं, दैट विल बी वॉशिंग सोडा। कल हमने क्या करा था? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। मैं सही बता रहा हूँ, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में उनके मतलब बनाने के स्टेप्स भी ऑलमोस्ट सेम, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक करवाऊंगा, आपको बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। अब ये डॉट 10H2 क्या है? ये डॉट 10H2 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देखो जो सॉल्ट्स होते हैं ना बेटा, आयनिक कंपाउंड होते हैं, एंड आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेटस, क्रिस्टल लेटस के फॉर्म में, मतलब ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा महल बना के रहते हैं। ठीक है, तो इनके महल को हम क्रिस्टल लेटस बोलते हैं। जो हम सॉल्ट्स के क्रिस्टल बना रहे होते हैं ना बेटा, उस टाइम पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, कुछ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर सॉल्ट के क्रिस्टल में जुड़ जाते हैं। आपने किसी पर्टिकुलर सॉल्ट या क्रिस्टल बनाया, उसे क्रिस्टल में एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिट हो जाएंगे। फिक्स मतलब अगर आप सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बनाते हो तो उसमें हमेशा 10 मॉलिक्यूल ही फिक्स होंगे। जितना मर्जी बड़ा मॉलिक्यूल क्रिस्टल हो, जितना मर्जी छोटा हो, अगर उसमें वाटर जाएगा तो सिर्फ कितना जाएगा? 10 मॉलिक्यूल, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। समझ आ गई? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके क्रिस्टल में चले जाते हैं। तो उन फिक्स नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाएं, तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाते टाइम उसके क्रिस्टल के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के चले जाते हैं। अभी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, ये इस क्रिस्टल को एक स्पेशल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, दैट वुड बी अ कलर, मतलब एक स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो एक कलर की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो एक ऑडोर की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो एक फॉर एग्जांपल सेटिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब वो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इस तरह की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी वो सॉल्ट को ऐड ऑन करे। समझ आ गया? अच्छा, अब बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कैसे डिफरेंशिएट करना है? वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग मतलब आप वॉश किससे करते हो? पानी से। तो वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। वॉशिंग सोडा में क्या होंगे? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, एंड देयर 10H2 इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है बेटा सोडियम कार्बो, मतलब ये बताया मैंने, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका समझ रहे हो? डेका स्टैंड्स फॉर 10, हाइड्रेटेड स्टैंड्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो इसका केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से इससे ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हटा लूं, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अब इसका नाम हो जाएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। समझ आ गए? जिन सॉल्ट्स के क्रिस्टल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जा सकता है, ठीक है, जिन सॉल्ट्स के क्रिस्टल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उनको हम स्पेसिफिकली, अगर उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो हम इसको एनहाइड्रस बोलेंगे, और जब उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उनको हम हाइड्रेटेड बोलेंगे। अब अगर यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं साथ में, तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इनका फुल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। समझ आ गई? अब नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान मार्क्स का रॉ मटेरियल पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए बेटा सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहां से आ गया? अभी पता लग जाए। अगर आपको याद हो बेकिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप क्या था, हम सोडियम क्लोराइड के ब्राइन, मतलब सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस पास करते थे। तो वहां पे एक रिएक्शन होती थी जिसमें पीपीटी बनता था, बेसिकली अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी नीचे सेटल डाउन हो जाता। समझ आ गई बात? यस सर। तो पहला स्टेप बिल्कुल सेम है बेकिंग सोडा जैसा, कि आपने NaCl के, अच्छा यहाँ पे मैं वाटर क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे NaCl एक्वस भी तो लिख सकता था, देखूंगा NaCl एक्वस। यहाँ पे वाटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। वाटर के मॉलिक्यूल भी, अगर मैं सपोज करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना CuSO4 एक्वस प्लस जिंक गिव्स यू ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर, तो अब यहाँ पे अपने वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखे रिएक्शन में? है तो प्रेजेंट तो है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं। आपने रिएक्शन में हमेशा वो सब्सटेंस लिखने हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं,
बट हमने ये सॉल्ट का सॉल्यूशन किसमें बनाया था, वाटर में बनाया था, इसलिए हम यहाँ पे उसको ना दिखाते, यहाँ पे क्या दिखा देंगे, एक्वस, कि हमने सॉल्यूशन किसमें प्रिपेयर करा है, वाटर में। बट वाटर यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट यहाँ पे वाटर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्वस भी लगाया बताने के लिए कि हमने किसमें डाला हुआ है, पानी में डाला हुआ है, और यहाँ पे हमने वाटर का मॉलिक्यूल भी शो करा बिकॉज वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अच्छा ध्यान से देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। अच्छा अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो रही है वो कहां से आ रही है, आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड इन द अबव रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा किस तरह के डीकंपोजिशन थी, थर्मल डीकंपोजिशन जिसमें हम हीट की हेल्प से करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको साइन लगाया हुआ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा था वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यूज हो गया, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपन इस रिएक्शन में यूज करा, समझ आ गया। तो पता लगा कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, आपको वन मार्क्स क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग सोडा व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट्स प्रोडक्शन वी रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, समझ आ गया। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप में हम इस कंपाउंड की हीटिंग एक्शन का हेल्प लेंगे। देखो अगर आपको याद हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर याद हमने मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था एक्शन ऑफ हीट, कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसके दो वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी इसके दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे क्या होंगे, डीकम्पोज होंगे। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल थी, डीकम्पोजिशन की, एक रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे डीकम्पोज होके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या इसका जो कॉमन नेम है वो है सोडा एश, क्या बोलते हैं इसको, सोडा एश, समझ आ गई बात। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम सिंपली हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब आप इसको ढेर सारे पानी में मिक्स करेंगे, तो ये पानी में से क्या करेगा, ये पानी में से ये पानी में से एग्जैक्टली 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में से, आया आपका वॉशिंग सोडा तैयार, समझ आ गई बात। अच्छा अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो वॉशिंग सोडा जैसे कि नाम बता रहा है कपड़े धोने में काम आएगा, एग्जैक्टली में ये कपड़े धोने से अलावा डिटर्जेंट बनाने में काम आता, किसमें, डिटर्जेंट बनाने में। अच्छा डिटर्जेंट कैसे बनते हैं बेटा, डिटर्जेंट ना एक कार्बन की चेन होती है, कार्बन बहुत लंबा चौड़ा कार्बन कंपाउंड होता है, कुछ उसका फॉर्मूला इस तरह का होता है, ये आपके सोप का फॉर्मूला, सोप का। और अगर आप मेरे से पूछो कि सर डिटर्जेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो डिटर्जेंट का फॉर्मूला भी इससे मिलता जुलता ही होता है शायद, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेसिकली सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में ये वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज करते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, देखो आपको एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब हमें कपड़े साफ करने होते हैं हमें पानी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसका नाम है मिसल, इसका नाम होता है मिसल, क्या होता है मिसल, बेसिकली मिसल क्या होती है, ये एक ऑयल का सपोज करो पार्टिकल है, तो जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ये बहुत लंबी चौड़ी एक चेन होती है, आगे एक छोटा सा पार्ट लगा होता है फंक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मिसल कब बनता है, जो बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कपड़े से इसको खींच लेते हैं, अब ऑयल का पार्टिकल या डर्ट का पार्टिकल कपड़े से क्या हो गया, अलग हो गया, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ है ना। अब कई बार क्या होता है बेटा, वाटर के अंदर ना मैग्नीशियम के या कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, वाटर के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, तो वो सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो सॉल्ट्स इन मिसल्स की फॉर्मेशन को नहीं होने देते, तो हमारा सारा का सारा साबुन क्या हो जाता है, वेस्ट, समझ आ गया। अब आपको अगर जानना है ना कि मिसल बन रहे कि नहीं बन रहे, तो आप देख लेना अगर आपके पानी में झाग बन रही, जैसे आप जिस पानी में आप डिटर्जेंट डाला अगर उसमें झाग बन रही है तो इसका मतलब वहां पर मिसल्स की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर झाग नहीं बन रही तो वहां पर मिसल्स की फॉर्मेशन नहीं हो। तो ऐसे ऐसे हार्ड वाटर को, हार्ड वाटर का मतलब इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, सॉल्ट्स होंगे, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को
नलीफाई करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, ताकि ये हमारा साबुन ना वेस्ट करे, डिटर्जेंट ना वेस्ट करे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। समझ आ गया? अब हम हार्ड वाटर में कपड़े नहीं धो सकते, डिटर्जेंट धो सकते हैं पर सोप से नहीं धो सकते। कभी कभी याद है मम्मा से पूछना, मम्मा साबुन को क्यों नहीं यूज कर लेते कपड़े धोने में, साबुन को भी कपड़े साफ करें नहीं करते, क्योंकि मम्मा जो पानी कपड़े धोते हैं ना वो टैप वाटर में धोते हैं, एंड टैप वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट पक्का होंगे, तो साबुन कभी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के पानी में काम कर ही नहीं सकता। वहां पे कौन काम करते हैं? डिटर्जेंट्स। समझ आ गई बात? वहां पे डिटर्जेंट्स काम करते हैं, इसलिए हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इनको यूज करते हैं और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी इसको यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, लास्ट हमने वॉशिंग कोटा में, अगर हमने वॉशिंग कोटा आगे वॉशिंग कोटा का फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको सोडियम कार्बोनेट डॉट टेन एच टू, ये डॉट के साथ टेन एच टू लगे हुए, ये क्या थे? दिस आर वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या होते हैं ये? एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल के साथ अटैच हो जाएंगे, जब उसके हम क्या कर रहे होंगे? क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली नाइन्थ में आपकी ये एक्टिविटी डिलीट होगी कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे, मतलब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से सॉल्ट को कैसे अलग किया जाता है। याद आपका चैप्टर नंबर 2 था 9th क्लास में मैटर अराउंड द स्फीयर, उसमें मैटर अराउंड द स्फीयर में एक टॉपिक था सेपरेटिंग टेक्निक्स, वो आपको डिलीट हो चुकी थी, ठीक है। उसी में एक प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन। बेटा क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन या आपके पास कॉपर सल्फेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप इस सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट को इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में निकालना चाहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म। देखो एक तरीका तो क्या है, वाटर को बॉइल कर दीजिए, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, पीछे का क्या बच जाएगा? कॉपर सल्फेट बच जाएगा, बट वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में होगी। करेंगे अभी भी हम यही करेंगे, हमें अभी भी हम वाटर को बॉइल, पर हम इसको अलग तरीके से बॉइल करेंगे। हम इसको इतना बॉइल करेंगे कि इसमें 90% वाटर बॉइल हो जाए, बस 10% वाटर बच जाए। उस 10% वाटर को जब हम एकदम से कूल करेंगे तो वहां पे सॉल्ट के क्रिस्टल बन के बाहर आ जाए। बेसिकली यहाँ पे हम सैचुरेशन की ही हेल्प लेते हैं। याद है एक नाइन्थ में एक पॉइंट होता था कि अगर आप एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालते जा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा। क्या पॉइंट था उसका? सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा अगर आप उस सॉल्यूशन को नीचे से हीट करना शुरू कर दें तो और ज्यादा सॉल्यूट डल सकता था, है ना, फिर और टेम्परेचर बढ़ा दो तो और सॉल्यूट डल जाएगा, होता था ऐसे। अच्छा उसके बाद अब जैसे टेम्परेचर घटाना शुरू कर देते क्या होता? सॉल्ट बाहर आना, सॉल्यूट बाहर आना स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ पे भी हमने यही काम किया, हमने क्या किया, हमने पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसको नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। जब हीट करेंगे इसके अंदर का वाटर यानी कि सॉल्वेंट बाहर जाना शुरू हो जाएगा, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब इसमें सैचुरेशन की लिमिट ही बहुत आगे चल जाएगी। अब जैसे इसको जैसे ठंडा करोगे एकदम से इसके अंदर का एक्सेस सॉल्यूट होगा वो बाहर आ जाएगा। आया ना? यस सर। तो इस टेक्निक को बोलते हैं व्हाट? इस टेक्निक को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अच्छा तो हमने देखा ये कि जब हमने क्रिस्टलाइजेशन करके सॉल्ट के क्रिस्टल्स को बाहर निकाला, तो उन सॉल्ट के क्रिस्टल्स के जब हमने सॉल्ट के क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लिया, ड्राई कर लिया, उसके बाद जब उनको टेस्ट ट्यूब में रखे, मैं आपको इसकी एक्टिविटी करवाऊंगा, मैं आपको कल इसकी एक्टिविटी करवाऊंगा कि यस आपको ड्राई दिखने वाले क्रिस्टल्स के पास भी वाटर होता है, एकदम ड्राई दिखने वाले क्रिस्टल्स के पास भी वाटर होता है, मैं आपको कल एक्टिविटी करवाऊंगा। अच्छा किया गया, जैसे हमने क्रिस्टल्स बाहर निकाले और इन क्रिस्टल्स को एक टेस्ट ट्यूब में रख के नीचे से हीट किया, तो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे ना आपको वाटर वेपर्स दिखे। ये वाटर वेपर कहां से है? बाहर से तो आने से, बाहर से एयर है, एयर में नहीं आते हैं, सपना होगा। एयर को आप ठंडा करोगे तो वो कंडेंस होगी, है ना, क्या तो हम हीट कर। ये वाटर वेपर कहां से आ रहा है? ये वाटर वेपर आ रहा है इस सॉल्ट से। इस सॉल्ट के अंदर क्या था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप इसको हीट करोगे, फॉर एग्जांपल आप इसी सॉल्ट को हीट करो, तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कर देगा? लूज कर देगा, और यही आपको टेस्ट ट्यूब पे दिखते हैं। कल मैं आपको इसको दिखाने के लिए सिंपल सी एक्टिविटी करूंगा। हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे, उन दोनों ही क्रिस्टल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे टेस्ट ट्यूब में रख के हीट करेंगे, आप देखना आसपास के ट्यूब में, मतलब ट्यूब का जो साइड वाला एरिया होगा ना, वहां पे आपको वाटर वेपर्स दिखे, मतलब आपको वहां पे वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे। तो आ गया, तो ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि किसी भी सॉल्ट के साथ, इधर देखो, अरे ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि किसी भी सॉल्ट के साथ अटैच होंगे और उसको एक एडिशनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, फिक्स नंबर होता है। अब बहुत सारे एग्जांपल है बेटा ऐसे सॉल्ट जिनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ। सबसे पहले ब्लू विट्रॉल, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट।
ग्रीन विट्रॉल, फेरस सल्फेट, ग्लोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा व्हाइट विट्रॉल, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट के हाइड्रेटेड सॉल्ट को बोलते हैं। तो ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या सॉल्ट के क्रिस्टल्स एक्चुअल में ड्राई होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। कैसे प्रूव कर सकते हो? विद हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्टिविटी, आप किसी भी इनमें से सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लीजिए, हीट करिए टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे, आपको क्या दिखेंगे? वाटर के ड्रॉपलेट्स। दिस शोज दैट इट कंटेन वाटर वेपर, इट कंटेन वाटर वेपर, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। किसी के घर में हुई है? किसी के घर पे हुई है? वो जो छतों पर डिजाइन बने होते हैं, पहले जमाने में चलती थी, अपनी चलती है, पहले जमाने में चलती थी, काफी चलती थी, ठीक है। तो अच्छा आज भी चलती है, कब? जब किसी के प्लास्टर लगा हो, जब किसी की हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हड्डी को वापस अपनी जगह पे रख के वो एक तरह इसको सीमेंट कर देते हैं, वो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाते हैं हमारे पास, ताकि वो हड्डी अब अपनी दोबारा जगह से ना हिल सके और दोनों हड्डियां का कनेक्शन हो जाए। समझ आ गई बात? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे? सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला आपको ये भी दिखेगा बुक्स में और ये भी दिखेगा। देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये फॉर्मूला गलत होगा, कभी भी मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, बट मोलर लेवल पे ये फॉर्मूला सही है। तो आप इसको भी सही मान के चलो और इसको भी सही मान के चलो। अब यहां देखो कैल्शियम सल्फेट एक क्रिस्टल के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, ये मोलर लेवल पे सही है, मोलर लेवल पे, बट अगर हम देखें ना सिंगल क्रिस्टल लेवल पर ठीक नहीं। अच्छा और दूसरा फॉर्मूला क्या है? दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, ये ठीक है। समझ आ गए? तो इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, हेमी का मतलब है हाफ। समझ आ गए? तो मैं यही फॉर्मूला फॉलो करता हूं कि दो कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए। समझ आया? अभी बनता कैसे? इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? देखो बेटा इसको बनाने में एक ही रॉ मटेरियल है, दैट इज जिप्सम। ये जिप्सम सॉल्ट से बनता है। समझ आ गया? अच्छा अगर मैं आपको बताऊं प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, बिना स्मेल का, बिना मतलब व्हाइट कलर का बिना स्मेल का एक पाउडर होता है, जिसको आप जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में रखोगे ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगेगा लाइट वेट बट होगा दम पूरा इसमें, ठीक है। चलिए तो पीओपी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीटिंग जिप्सम एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पीओपी बनानी है तो आपको जिप्सम को एग्जैक्टली 100 डिग्री पे ही हीट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा पे करोगे तो आपका जो पीओपी होगी वो नहीं बनेगी, या पीओपी अगर बनेगी तो उसके पास एक प्रॉपर्टी नहीं होगी जिसकी वजह से आप पीओपी बना रहे। अच्छा पीओपी किसकी वजह से? पीओपी का क्या यूज है? ताकि वो पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आगे क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। आप ऊपर डिजाइनिंग लगाते हैं छत पे, वो भी हार्ड होती है, तो पीओपी को बेसिकली मूर्तियां बनाने में भी यूज किया जाता है। तो मूर्तियां कैसे होती हैं? हार्ड चाहिए ना आपको, ऐसा ना हो कि आपने उसको फिंगर लगाई और मूर्ति की शेप चेंज हो गई। ऐसी मूर्ति तो आप नहीं चाहोगे, आप हार्ड मूर्ति चाहोगे। तो पीओपी के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वाटर का कॉन्टेक्ट में आता है ये क्या हो जाता है, एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गई बात? अच्छा आप ध्यान से देखो, बेसिकली हम इसी प्रोडक्शन पे रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो मैंने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को हीट किया एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसने अभी तो यहाँ पे दो क्रिस्टल्स लिए, दो क्रिस्टल्स के पास चार वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये दो क्रिस्टल्स अपने तीन वाटर मॉलिक्यूल लूज करके इनके पास क्या बचेगा? सिर्फ एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। दो क्रिस्टल्स लिए, दो क्रिस्टल्स के पास चार वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक के पास दो है तो दो के पास कितने हो गए? चार। इन दो क्रिस्टल्स के पास चार वाटर मॉलिक्यूल्स है, हमने इनको 100 डिग्री पे हीट किया तो दोनों क्रिस्टल्स आपस में जुड़ गए, अपने तीन वाटर मॉलिक्यूल लूज करके, मतलब ये दोनों कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल से ज्वाइन हो। समझ आ गई बात? अच्छा अब क्वेश्चन है क्या होगा कि अगर हम इनको 100 डिग्री से ऊपर हीट करते, तो बेटा 100 डिग्री से ऊपर हीट करने से क्या होगा? देखो कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू एल है ना, अगर आप इनको सपोज करो हीट करते हो अबव 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल 110 पे हीट करते हो, तो होगा पता क्या? अब ये अपने सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। समझ आ गई बात? अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है? क्या ये इसके पास सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है? बेटा इसके पास सेटिंग प्रॉपर्टी वाकई में नहीं,
मतलब ये पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आके हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें फिर पीओपी बनाने का फायदा क्या होगा? समझ आ गया? तो क्लियर मस्ट बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग पीओपी दैट जिप्सम सॉल्ट शुड बी हीटेड एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट अबव 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज़ इफ वी हीट द जिप्सम सॉल्ट अबव एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस इट विल लूज ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, इसकी इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके पास स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है। समझ आ गई बात? हाँ है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है जो हमने अभी हमने पीओपी बनाई थी, ठीक है, जिप्सम सॉल्ट से, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो ध्यान से, पीओपी दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, जैसे ही वाटर के कंटेंट में आई, कंटेक्ट में, जैसे ही इसको हल्की सी नमी मिली, अब बताए जो लोग पीओपी की बोरियां रखते हैं ना अपनी दुकान में, उनको वो बोरियां बहुत संभाल के रखनी पड़ती, बिल्कुल मॉइस्चर फ्री एनवायरमेंट में रखनी पड़ती। कारण क्या? क्योंकि जैसे ही इनको वाटर मिला, हल्का सा भी वाटर मिला, ये क्या करेंगे, या इससे क्रिस्टल्स तीन वाटर मॉलिक्यूल को जो इन्होंने पहले लूज करे थे उनको दोबारा से रीगेन करेंगे। जैसे इन्होंने पहले तीन वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिए, यार आपने जिप्सम कैसे बनाया, पीओपी कैसे बनाई थी आपने, कैल्शियम सल्फेट आपने जिप्सम सॉल्ट को हीट करा था और ये कन्वर्ट हो गया था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड बाय लूजिंग थ्री वाटर मॉलिक्यूल, है ना? तो पहले जब हमने इसको हीट किया तो इसने तीन वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दी, अब जैसे ही हल्का सा पानी मिला इसने दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल वही तीन क्या कर लिए, रीगेन कर लिए, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। बट अब की बार जब ये चीज हुई ना, ये एक प्लास्टिक मास में कन्वर्ट हो गया, ये एकदम से प्लास्टिक की गेंद बन गई, डिफॉर्म हो गई। अच्छा, इसको थोड़ा टाइम और रख दो, ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया, जिस बाद में जो डिफॉर्म नहीं हो पा रहा, इसी प्रॉपर्टी को हमने बोला इसके पास एक सेकेंड प्रॉपर्टी। मतलब जैसे ही आप इसको पानी दोगे, पहले ये प्लास्टिक मास में कन्वर्ट होगा, उसके बाद अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ दोगे ये एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसका कारण सुनो, मैंने आपको बताया था कि जिप्सम से पीओपी बनाते टाइम आपको एग्जैक्टली ध्यान देना है कि आप 100 डिग्री पे ही क्या करो, हीट करो उसको, ठीक है? अच्छा, अगर आप 100 डिग्री पे ऊपर टेम्परेचर पे हीट करते थे वो सारे के वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज कर रहा था आपने। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो इसके पास इन दोनों क्रिस्टल्स के पास एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन है अभी, बट यहाँ पे ये सारे के सारे वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज कर चुके हैं। क्या बन चुका है? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अगर आप इसको वाटर दो अब तो ये फिर से कन्वर्ट हो तो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और 2H2O में, बट अब ये प्लास्टिक मास में कन्वर्ट होगा बट ये हार्ड नहीं। डिफरेंस समझ आ गया? मतलब अगर आप पीओपी के एक्चुअल क्रिस्टल को अगर आप वाटर मॉलिक्यूल दोगे तो वो पहले प्लास्टिक मास में कन्वर्ट होगा, बाद में हार्ड मास में कन्वर्ट होगा, तो हम बोलेंगे इसके पास एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है। बट अगर आप एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को वाटर मॉलिक्यूल देते हो तो वो बन तो जाएगा सेम फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, बट अब वो सिर्फ प्लास्टिक मास में कन्वर्ट होगा बट वो हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आ गया? मतलब वो प्लास्टिक बन के रहते हैं, प्लास्टिक की चीज बन के रहते हैं कि आप लोग जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लो, बट वो हार्ड नहीं होगा। समझ आ गया? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एग्जैक्टली आपने जैसे 100 ग्राम आपने पीओपी ली, अगर आप इसको एग्जैक्टली 50 ग्राम वाटर के साथ मिक्स करो, इसके साथ 50 ग्राम वाटर के साथ, तो ये वाटर से क्या करेगा, अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन रीगेन करेगा और पहले ये प्लास्टिक मास में, उसके बाद ये हार्ड मास में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम एज CaSO4.2H2। सो व्हेन मिक्स्ड विद एग्जैक्टली 50% ऑफ इट्स ओन मास वाटर इट टर्न्स इनटू अ प्लास्टिक मास व्हिच फर्दर सेटल टू बिकम हार्ड मास, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेटिंग प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात? यस। अच्छा देखो, जब आप इसकी सेटिंग करवाते हो ना, मतलब आपने जैसे इसमें पानी डाला, फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में आपने डाला, ठीक है, आप ये ऐसे आपने जो पीओपी रखी हुई थी आपने इसमें पानी डाला, ठीक है, आपने इसमें पानी डाल के इसे सेटिंग करवाई। अच्छा, सेटिंग करवाते टाइम ये क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, आप इसकी एक शेप बना लेते, अभी के लिए जो पीओपी पड़ी हुई थी इस तरह से पड़ी हुई थी, इस तरह से ऐसे, मतलब एक गड्ढों में नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला तो ये सेट होना शुरू होगा, सेट होके एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करके ये इन दरारों को, ये जो आपके पास स्पेसेस है ना, इनको भी फिल कर देगा। और आपको लगता है जब ये इनको फिल करेगा तो इसके पास यही इंप्रेशन आ जाएगा, यही इसके पास क्या आ जाएगी, शेप आ जाएगी। तो इसीलिए जो मिस्त्री होता ना, जो पीओपी करता था, वो उनको ना मोल्ड में सेट करता था, मोल्ड में सेट होने के बाद ये मोल्ड की क्या ले लेते थे, बहुत अच्छी शेप, और बाद में इसको दीवार से चिपका देता था। समझ आ गई बात?
So during the setting there is a volume expansion due to which they completely fill the mold in which it is being mixed with water. ठीक है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? पीओपी. अच्छा आपको क्या लगता है पीओपी क्यों कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? एक तो बेटा वो डेकोरेशन में, एक तो मेडिकल यूज है इसका, और आपको लगता है आइडल्स बनाने में मूर्तियां बनाने में यूज करते हैं इसको. समझ आ गया? क्लियर है? तो पीओपी के इस तरह से यूज किया जाता है.